बेसिकली ओमाइक्रॉन जो है सो कोविड का एक नया वेरिएंट है। ऑलरेडी काफ़ी वेरिएंट्स आ चुके हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, कपा। अब ये नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, इसको इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में फिफ्थ अल्फ़ाबेट है। अब ये जो है सो कुछ डरने की चीज़ नहीं है। हर वायरस की ये खासियत होती है कि जो है सो ओवर एड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वो वायरस मल्टीप्लाई होता है, एक से एक जने से स्प्रेड होता है, उसके अंदर न्यू म्यूटेशंस आते हैं। तो ये जो है सो कलेक्शन ऑफ म्यूटेशंस को एक न्यू वेरिएंट बोलते हैं। ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट में 32 न्यू म्यूटेशंस पाए गए हैं। ये न्यू म्यूटेशंस क्या हिसाब से ओमाइक्रॉन को न्यू पावर्स देते हैं या उसको जो है सो स्प्रेड ईजिली करने देते हैं या फिर जो है सो डिसीज़ की सीवियरिटी बढ़ाते हैं, ये अभी बहुत जल्दी है बोलना। ये किसी को मालूम भी नहीं है। ये चीज़ जानकारी करने के लिए और स्टडीज़ की ज़रूरत है और डेटा की ज़रूरत है। बट ये है कि ये चीज़, ये जो है सो ओमाइक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था और साउथ अफ्रीका में ये डिटेक्ट होने के बाद केसेस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से एकदम बढ़ गए। तो डेफिनेटली ये तो बोल सकते हैं कि ये न्यू वेरिएंट के वजह से डिसीज़ की स्प्रेडिंग कैपेसिटी जो है सो एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है सो कोविड को स्प्रेड होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट क्या इससे जो है सो लोगों को सीवियरिटी, जैसे कि लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, वो बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं बोल सकते और थोड़ा डेटा चाहिए हमको। बट अभी तक जितने इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आई है साउथ अफ्रीका से और दूसरे कंट्रीज़ में ओमाइक्रॉन के बारे में, ऐसा नहीं लगता है कि जो है सो दूसरे वेरिएंट से कंपेयर करने पे इसकी डिसीज सीवियरिटी ज़्यादा है। फिर भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन जो ऑलरेडी वैक्सीन जो दे रहे हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये नहीं बोल सकते कि ये ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। इससे जो है सो थोड़ा ना थोड़ा प्रोटेक्शन हमेशा रहेगा, चाहे कोविड का ये वेरिएंट रहे या डेल्टा वेरिएंट या कोई भी वेरिएंट रहे, तो कोई थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो रहेगा वैक्सीन से। इसलिए मेरी अदबन गुजारिश है कि हर कोई जो है सो अपने आप को फुली वैक्सीनेट कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है सो कोविड के कोई भी वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन तो रहेगा। अब ये आगे वक्त ही बताएगा कि जो है सो इसके लिए कोई नई वैक्सीन की ज़रूरत है या फिर वैक्सीन को मॉडिफाई करके देने की ज़रूरत है या बूस्टर शॉट की ज़रूरत है, ये जो है सो सिर्फ वक्त ही बताएगा। और जो है सो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। कहीं भी बाहर क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं आप तो मास्क ज़रूरी है और जो है सो हाथ धोना ज़रूरी है खाना खाने से पहले। मेरी ये राय है कि इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसको एकदम लाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है सो साउथ अफ्रीका में केसेस एक तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में आने के बाद भी बढ़ सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सो लोगों को हॉस्पिटल जाने की या जो है सो हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी। माइल्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट फिर भी जो है सो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, चाहे ये वेरिएंट हो या पुराना वेरिएंट भी रहो, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना, जैसे कि हर जगह मास्क पहनना, क्राउडेड प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में। अगर आपको कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है जैसे कि खांसी, बुखार, नज़ला, तो बाहर मत जाइए क्राउडेड प्लेसेस में। दूसरे लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करिए और जो है सो जल्द से जल्द आपके दो डोजेस जो वैक्सीन के हैं वो ले लीजिए। अभी तो बहुत बोलना मुश्किल है कि जो है सो ऑलरेडी जो अपने पास वैक्सीन दे रहे हैं उसके वजह से ओमाइक्रॉन आ सकता है नहीं आ सकता है। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं रहेगी, चाहे ओमाइक्रॉन रहने दो या डेल्टा वेरिएंट रहने दो, बट कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन रहेगा। और ये थोड़ा बहुत जो भी प्रोटेक्शन रहेगा वैक्सीन से, ये ज़िंदगी और मौत के बीच में फैसला कर सकता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जब तक वैक्सीन से देयर अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस, वेदर इट इज़ दिस वायरस और एनी अदर वायरस। ऐसे लोगों को जो है सो डिसीज़ आने की भी ज़्यादा गुंजाइश है और डिसीज़ ज़्यादा सीवियर होने की भी ज़्यादा चांसेस है। तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें, आपके शुगर को अच्छा कंट्रोल में रखें, कोई नियर बाय डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके आपके मेडिसिन एडजस्ट करवा लीजिए कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। जो लोग किडनी पेशेंट्स हैं वो लोग अपने दवाएँ शुगर बीपी के वगैरह टाइम पर लीजिए, अपने सिम्टम्स को कंट्रोल में रखिए और वैक्सीन ले लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखिए बच्चों को अभी तो स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चों को एक दूसरे से थोड़ा क्लोज़ कांटेक्ट अवॉइड करें तो बेटर है। अगर बच्चों के घर में कोई एल्डरली लोग हैं तो उन लोगों को बच्चों को काफ़ी केयरफुली रखना चाहिए, उन लोगों के नज़दीक जाना नहीं देना चाहिए। और अगर बच्चों को कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है जैसे कि खांसी है, बुखार है, नज़ला है, तो उन लोगों को स्कूल्स वगैरह मत भेजिए, घर पर ही रखिए। अभी वैक्सीन्स फाइनली अप्रूव नहीं हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन जब अप्रूव होंगे इंशाल्लाह, आई थिंक 12 साल के ऊपर के बच्चों के अप्रूव होने के चांसेस है। तो जब वैक्सीन्स अप्रूव होंगे तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आई विल एडवाइस।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अपने आप को ये वायरस जो है सो मुंह और नाक से एंटर होएगा बॉडी में, तो ये चीज़ को बचाना है कि मास्क हमेशा पहनना है। कभी भी कोई भी आप फंक्शन में जा रहे हो, दावत में जा रहे हो, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, तो मास्क पहनना ज़रूरी है। ये चीज़ जो है सो विल बी अराउंड 60-70% इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग। तो अगर ये पहन लेंगे आप, तो आप लोगों को दूसरों से वायरस आपके पास आने का गुंजाइश कम हो जाएगी। आप लोगों के अगर आपके पास खुद भी वायरस है तो दूसरे लोगों तक पहुंचने की चांस भी कम हो जाएगा। और एक चीज़ ये है कि आप कुछ भी आपके मुंह में डाल रहे हो या नाक के पास कर रहे हो, तो आपके हैंड साफ, हाथ वगैरह साफ़ होने चाहिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके अंदर घर में आ रहे हैं, तो हाथ और वगैरह, हाथ मुँह वगैरह धो लेना चाहिए। जो ज़्यादा एज के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस जाना अवॉइड करिए, जितना हो सके घर पे रहिए, वैक्सीन ले लीजिए। अगर आपको दूसरे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, या फिर दूसरा कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, वो चीज़ के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखिए।